समझ में आया होगा कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है खासकर रेलवे में, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 0.2 0.5 से छट जाते हैं लोग। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर कि कैसे तैयारी करें कि हम मैक्सिमम स्कोर करें, कि हमको ये 0.1 0.2 वाला बातें ना रहे। ये 0.2 वाली बात आती है इसीलिए ना, जो अपन माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप 70 80 70 या कि नॉर्मलाइज्ड होते हैं मार्क्स, 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो जिन सर का मैंने इंटरव्यू लेना है, दोस्तों इन्होंने ग्रुप डी के पोस्ट में भी 2 साल काम किया है, और अभी फ़िलहाल एक गुड न्यूज़ ये रही कि एक आध 2 महीना पहले इनका वेटिंग असिस्टेंट लोगो पायलट 2018 की क्लियर हुई है। ठीक है, तो सर से पूरा जानना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे ग्रुप डी की एग्ज़ाम फाइट किए और परीक्षा दिलाए, और साथ में असिस्टेंट लोगो पायलट का भी एग्ज़ाम क्रैक किए। ठीक है, तो सर से पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर आपका गुड नेम? सुमित द्विवेदी। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ जी। और सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मेरी बीटेक है, मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से। और सर आपको उसमें स्ट्रीम क्या था? स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी जी। और सर आपका कैटेगरी क्या है? जनरल है जी, यूआर जी। सर दोस्तों आप लोग काफ़ी पूछते हैं कि सर आप जनरल का लाते नहीं है, तो सर से आप काफ़ी मोटिवेशन ले सकते हैं। इनकी बताई गई एक एक बातों पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, तो सर आप बताना चाहेंगे कि ग्रुप डी की तैयारी कैसे की है, मतलब आप सबसे पहले बुक्स बताना चाहेंगे? बुक्स मैं तो मैथ्स के लिए राकेश यादव की यूज़ कर रहा था जी, और साइंस और जीएस के लिए तो लूसेंट ही पढ़ रहा था जी, जी। करेंट अफेयर्स के लिए स्पीडी यूज़ किया था। अच्छा, और रीजनिंग के लिए ऑनलाइन ही बुक नहीं प्रेफर की, ऑनलाइन ही स्टडी कर ली यूट्यूब क्लासेस से जी। सर तो आप उस समय मॉक टेस्ट वगैरह दिलाते होंगे, तो मॉक में कितना मार्क्स वगैरह आते? मॉक टेस्ट में वही 75 80, कभी कभी 80 ऊपर भी, 80 से 85 हो जाता था जी, आते थे नंबर, और ज़्यादातर 70 से 80 के बीच। सर इसमें आप ये बताना चाहेंगे कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कब हुआ? मेरा 4 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट थी 2018 जी, 4 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट। सर उसमें आप ये बताना चाहेंगे कि आपका कितना अटेम्प्ट किए थे, कितना रॉ अटेम्प्ट हुआ, एक एवरेज में आपको अगर याद होगा तो, आपका रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स? मैंने अटेम्प्ट किए थे करीब 88 के करीब अटेम्प्ट किए थे जी जी, और उतना याद नहीं आ रहा कि कितने सही कितने गलत थे, लेकिन मेरे रॉ मार्क्स हुए थे 71.25 के करीब जी, जी। जो कि नॉर्मलाइज्ड होके 76 हो गए थे। अच्छा सर, और आपको कट ऑफ का आइडिया होगा कि 2018 में SSCR जोन में कितना कट ऑफ? 72 गया था बिलासपुर जोन का, जनरल का सर? जनरल का। दोस्तों अगर आप लोग मॉक टेस्ट दिलाते हैं तो अगर आप लोग का 60 to 70 मार्क्स भी आता है, ठीक है, जोन के हिसाब से भी डिपेंड करता है, बट 60 to 70 मार्क्स आ रहा है, और अगर उससे प्लस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और अगर उससे नीचे है तो आप लोग को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं कि ईजी होने वाला है, कॉम्पिटिशन थोड़ा, क्योंकि दोस्तों 2 साल से काफ़ी स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अगर टेस्ट दिलाते हैं दोस्तों तो टेस्ट बुक बेस्ट है, क्योंकि उसमें आप लोग को लगभग 26,000 मॉक टेस्ट मिलते हैं, और कवर करता है दोस्तों टेस्ट बुक 420 एग्ज़ाम्स को। सर से भी काफ़ी जानकारी लेंगे। सर आप टेस्ट बुक प्रीफर करते थे? टेस्ट बुक मैं प्रीफर करता था, और सर साइको टेस्ट वगैरह मैंने टेस्ट बुक से अच्छा, दिया साइको था, टेस्ट का भी ALP का जी जी मैंने उसके लिए भी लिया था। तो दोस्तों आप लोग जैसे पूछते हैं कि साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो एक ऑप्शन है कि आप लोग टेस्ट बुक से कर सकते हैं, ठीक है, उसका ईयरली आप लोग को मिलता होगा दोस्तों, कि जो भी रेट में मिलता होगा उसमें आप लोग को 30% डिस्काउंट में मिलेगा अगर आप लोग ACC कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है, और आप लोग का जो 2 साल वाला रहता है, जो आप लोग का लाइफ टाइम का पासबुक रहता है, उसमें भी आपको 30% मिलेगा। तो बेस्ट आप लोग ज़्यादा मॉक टेस्ट अगर दिलाना हो, है ना, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा कवर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल सबसे ज़्यादा होते हैं, किसी भी टेस्ट दिला रहे हैं तो लगभग 20 to 30,000 स्टूडेंट्स एनरोल रहते हैं, और उसमें आपका रैंक पता चलेगा कि आपका 2000 रैंक आ रहा है, 5000 आ रहा है। तो सर से अब इसके बाद जानना चाहेंगे कि ग्रुप डी की बुक्स की तो बता दिए, कि अब इसके बाद सर से फिज़िकल के बारे में जानना चाहेंगे कि फ़िज़िकल की तैयारी इन्होंने कैसे की सर? अब फिज़िकल मैंने लास्ट 1 मंथ में ही की है। अच्छा, और ज़्यादा अच्छे से की जब डेट आ गई कि इस डेट को है रनिंग। अच्छा, मुझे रायपुर में बुलाया गया था। अच्छा, तो डेट जब आई है तो लास्ट के 15-20 दिन ज़्यादा सुबह शाम दोनों टाइम जाता था जी जी, लास्ट में तो मैं दोपहर में भी गया हूँ, प्रैक्टिस हो जाए धूप में दौड़ने की जी जी।
तो सर आप कितना मीटर की? मैं लगभग ज्यादा ही करता था, 3,000-4,000 मीटर का। हाँ, 5-6 राउंड करता था ग्राउंड का। अच्छा, था हम लोगों का 1,000 मीटर ही। हाँ, 4 मिनट। एक फेस रहता है सर, जैसे आपने ग्रेजुएशन का कौन से ईयर में ग्रेजुएट होंगे? मेरा 2015। उसके बाद एक माइंडसेट रहता है कि अपने को अब कुछ जॉब चाहिए करके, आप बी किए हुए हैं, तो क्या माइंडसेट था सर कि रेलवे में जॉब करने करें? माइंडसेट ऐसा नहीं था कि रेलवे में ही करेंगे जी। मैंने तैयारी शुरू की जी, बैंकिंग के भी एग्जाम देता था, रेलवे का भी दिया जी जी। रेलवे में हो गया तो इसको ज्वाइन कर लिए सर। तो ये रेलवे में आपका पहला अटेम्प्ट था? रेलवे में पहला अटेम्प्ट था जी। और अब इसके बाद बात करते हैं सर असिस्टेंट लोको पायलट की, कि असिस्टेंट लोको पायलट की भी आप तैयारी कैसे की? तैयारी तो मैंने सेम ही की, मैंने बुक भी वही यूज़ की। अच्छा, जो हाँ सेम टाइम में एग्ज़ाम भी थे ये 2018 में, पहले ग्रुप डी का हुआ है शायद, नहीं पहले ALP हुआ है। हाँ, ALP फिर ग्रुप डी हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जब मेरा ALP का मेडिकल था तब ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आ गई थी, क्योंकि ALP में साइको टेस्ट वगैरह था तो ज़्यादा खिंच गया था। अच्छा अच्छा, तो सर आप इसमें ये बताना चाहेंगे कि CBT 1 CBT 2 की तैयारी कैसे करें और साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कोई भी अगर असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहते हैं तो? पैटर्न सेम रहता है जो रेलवे इस टाइम पे दे रही है जी जी। बस इसमें ये रहता है CBT 2 के लिए जी, बाकी चीज़ें तो वही रहती है, मैथ्स रीजनिंग और करंट अफेयर्स जनरल साइंस, बस एक पोर्शन ऐड हो जाता है जो आप भरते हैं, कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं अपनी ब्रांच का। अच्छा, मैंने जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स चूज की थी। बिल्कुल। तो उसका 50 नंबर का अलग से एक एग्जाम मार्क्स का। CBT 2 में रहता है सर? CBT 2 में, 1 में तो वही सेम चीज रहेगी जो, हाँ, और 2 में रहता है, 1 का ऐड भी नहीं होता है नंबर। अच्छा, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग रहता है। CBT 2 का ऐड होता है 70% और साइको टेस्ट का 30%, उन दोनों का ऐड होके लास्ट में मेरिट बनती है। साइको टेस्ट के बारे में बताना चाहेंगे सर कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और जैसे आपने बताया कि टेस्ट बुक में करते थे तो उसका बताएंगे। साइको टेस्ट में ना स्पीड का काम है जी, उसमें जैसे 5 मिनट में 100 क्वेश्चन इस टाइप से थे। अच्छा। हाँ, 5 मिनट में 100 क्वेश्चन, फिर 2 मिनट का ब्रेक रहता था, फिर अगला पार्ट, कभी कभी 2 मिनट का ही रहता था 50 क्वेश्चन के। अच्छा। उसमें मेमोरी टेस्ट रहते थे, डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्टेंस टेस्ट थे। ये सब टॉपिक पे ऐसे ही 5 टॉपिक थे। हाँ, उन्हीं पे ऐसे ही 5-5 मिनट करके करीब 1.5 घंटे में हो जाता है कुछ पूरा। कारण होता होगा सर कि कई लोग साइको में भी फेल हो जाते हैं क्योंकि कमेंट्स आते हैं? हाँ, साइको में भी हो जाते हैं जी, किसी किसी को दिक्कत हो जाती है, लेकिन इतना टफ भी नहीं रहता है अगर आप ध्यान देंगे उस पे तो हो जाएगा। सर जो साइको टेस्ट होता है और आप जो टेस्ट बुक में या किसी भी में दिलाते हैं तो आप दोनों में फर्क था? हाँ, मैं जो टेस्ट बुक में दिया तो उसमें ज्यादा लेवल था। अच्छा। जो पेपर में आया वो कम लेवल का ही आया था पेपर जी, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई जी, उससे कम लेवल का ही था। अब इसके बाद बात करना चाहेंगे सर कि कोई अगर कैंडिडेट्स लोग काफी पूछे हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगता है असिस्टेंट लोको पायलट में? BE/BTEC तो रहता ही है, डिप्लोमा रहता है, ITI रहता है। इसमें सर कई लोग पूछते हैं कि सर हमने इस ब्रांच या स्ट्रीम से ITI किया, डिप्लोमा किया, BE/BTEC किए, तो ऐसा रहता है सर कि कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और बन सकते हैं ये तीनों चीज़? मुझे में? जो याद है जब नोटिफिकेशन आया था CS और IT ब्रांच नहीं मांगा था। अच्छा। मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा में CS IT वाले नहीं थे उसमें जी, जी, जी। बाकी ब्रांचेस भर सकते थे। अच्छा। इंजीनियरिंग के जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप 2 साल ग्रुप डी की पोस्ट में रहे सर, पोस्ट क्या थी? मेरा ट्रैक मेंटेनर 4। काफ़ी आपने देखा होगा कि हार्ड लाइफ रहता है, और उसके बाद भी सर कितना उम्मीद बनाए रखे थे कि हे भगवान की काश मेरा असिस्टेंट लोगो पायलट में हो जाएगा? उम्मीद थी क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे। उम्मीद मार्क्स कितना था सर आप जैसे बताएं? मेरा 71.39 ऐसे ही समथिंग था। अच्छा, आउट ऑफ 100 ये ALP में था। हाँ, तो सर उसमें आपका कट ऑफ कितना गई थी? कट ऑफ पहली जो लिस्ट आई थी वो 72 में उठाए थे। अच्छा, तो मेरा कुछ 0.25 या ऐसे ही कुछ करके पीछे रह गया था मैं, जो कि अभी रिप्लेसमेंट पैनल में ले लिया गया हम लोगों को 28 लोगों का। अच्छा अच्छा सर, इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है खासकर रेलवे में, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, 0.2-0.5 से चढ़ जाते हैं लोग,
तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर कि कैसे तैयारी करें कि हम मैक्सिमम स्कोर करें, कि हमको ये पॉइंट वन पॉइंट टू वाला बातें ना रहे। ये पॉइंट टू वाली बात आती है, इसीलिए ना जो अपन माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप 70-80 या कि नॉर्मलाइज्ड होते हैं मार्क्स 60-70 के बीच में आ रहे हैं, तो वो भी ये सेफ स्कोर माना जा रहा है इस टाइम पे। एक्यूरेसी में है, ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसी में 20 गलत हो गए तो गड़बड़ हो जाता है काम, वहां से आपका खेल पीछे जाते जाएगा, पीछे जाता है। अगर आपको लगता है आप 75 तक आ रहे हैं, 70 से ऊपर हैं जी, तो माइनस मार्किंग जितना कम हो उतना ध्यान दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ने सर ने कहा है कि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है दोस्तों आपके एग्जाम में। अगर आप 70-75 अगर आप एकदम सही अटेम्प्ट कर रहे हैं विथ 100-95% अगर एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, तो लीव कीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर ये भी लीव करते हैं ना दोस्तों, तो आप ना जाने 5,000 से 10,000 कैंडिडेट से आगे होंगे। ये भी रहता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों अगर आपका 70 रॉ मार्क्स आ जाता है, 65-75 के बीच में रॉ मार्क्स आता है, तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता ही है मार्क्स, क्योंकि मेरे खुद ग्रुप डी में 64 मार्क्स आए थे तो 74 हुए थे। तो इसलिए ज़्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिए, मैक्सिमम एकदम एक्यूरेसी के साथ काम कीजिए। सर से ये पूछना चाहेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट में स्कोप क्या है, आगे क्या बनते हैं? असिस्टेंट लोको पायलट से लोको पायलट ही बनाया जाता है आगे, कभी कभी 3 साल में हो जाता है, कभी कभी 5 साल लगते हैं, कभी कभी 7 साल लग जाते हैं। जी, हर डिवीजन का अलग अलग रहता है जी। इसके बाद लोको पायलट बनते हैं, अभी असिस्टेंट पे रहते हैं हम लोग। सर ग्रेड पे का डिफरेंस बताना चाहेंगे, और जैसे ग्रुप डी में ग्रेड पे जो रहता है और इसमें क्या ग्रेड पे रहता है? ग्रेड पे इसमें 1900 से स्टार्टिंग होती है जी, ग्रुप डी में तो 1800 से वो रहता है जी। तो ग्रेड पे सर आप लोको पायलट का लेवल बताना चाहेंगे, जैसे ALP का लेवल सेकंड या थर्ड होता होगा, तो लोको पायलट कौन से लेवल के होंगे, जैसे उनका ग्रेड पे कहाँ तक पहुँचता है? 4200 4600 हाँ लेवल तो रहता है, लेवल 2 तक या 1 तक ऐसे ही जी। लेवल 1 जैसे अपन लेवल 1 थे ट्रैक मेंटेनर 4 में, लेवल 6-7 तक जाते हैं जी, जी। इससे LI भी फिर जाते हैं, लोको इंस्पेक्टर बनते हैं, इंस्ट्रक्टर वगैरह जी। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है लोको पायलट को, जैसे आप यहाँ से आपने ट्रेन को ले गए और 8 घंटे के बाद कहीं आप दूसरे जगह जब जाएंगे, तो वहाँ क्या क्या आपको रहने की खाने की क्या फैसिलिटी? हाँ, फैसिलिटी रनिंग रूम में मिलती है जो कि सीनियरों के द्वारा बताया गया है, क्योंकि अभी जस्ट पता ही है ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है हम लोगों की जी। सर ट्रेनिंग में बताना चाहेंगे कि ALP और ग्रुप डी की ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंस है। हाँ बहुत डिफरेंस है, ग्रुप डी के तो सीधे ज्वाइनिंग दे दी गई थी जी, फिर उसके 2-3 मंथ बाद बुलाया गया था जो कि फिर 27 दिन की ट्रेनिंग हुई। बिल्कुल, इसमें सीधे ट्रेनिंग में भेजा गया है, 103 दिन की ट्रेनिंग है। 103 दिन की ट्रेनिंग अभी हम लोगों को परसों ही खड़गपुर भेजा जा रहा है। बिल्कुल, वहाँ 1 महीने ट्रेनिंग के बाद फिर वापस यहाँ उसलापुर में 2 महीने और कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग के। एक क्वेश्चन पूछते हैं सर से कि ग्रुप डी से क्या, एक कमेंट भी आया था कि क्या ग्रुप डी से असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो उसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, और कितना मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में कट ऑफ जाता होगा? हाँ आराम से बन सकते हैं, बहुत सारे लोग बने भी हैं हमारे डिपार्टमेंट के जी। ये एज क्राइटेरिया जैसे अभी GDC का आया था जी, उस हिसाब से बता सकते हैं कि 42 साल रहता है जनरल कैटेगरी का, 45 रहता है OBC का जी जी, 48 रहता है समथिंग SC ST का। बिल्कुल, तो सर इसमें आप ये बताना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम का लेवल होता होगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का और कट ऑफ, मेरे ख्याल से कम कट ऑफ में भी हाँ कट ऑफ का ही अंतर आता है। लेवल कभी कभी जैसे अपन ओपन से देते हैं जी जी, पेपर पैटर्न वही रहता है लगभग जी जी, तो लेवल हो सकता है वैसे ही आ जाए जैसे अपन ओपन से देते हैं, लेकिन कट ऑफ का अंतर आ जाता है, क्योंकि जहां हम लाखों में कॉम्पिटिशन था वहाँ अब हजारों में आ जाते हैं, सिर्फ रेलवे एम्प्लॉई भर सकते हैं जी जी, तो उसका फायदा तो कहीं ना कहीं मिलता ही है अपन। बिल्कुल बिल्कुल। सर से अब ये जानना चाहेंगे दोस्तों कि जो आप लोग इतना सा मतलब 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी NTPC की, ठीक है, तो सर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, और उनका और आगे क्या बनने का इरादा है? नहीं, मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था जी, अभी TM4 में भी थे तो तैयारी चल रही थी, जितना भी टाइम मिलता था 1-2 घंटे जी, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता था ड्यूटी के कारण। इसके बाद सर आप क्या बनने का चाह रखते हैं? मतलब अगर स्टेशन मास्टर हो जाएगा जो कि भरे हैं GDC का जी, तो
स्टेशन मास्टर ले लेंगे। दोस्तों आप लोग सिर्फ रेलवे में एक बार एंट्री करने की देरी है, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू बिल्कुल आगे जा सकते हैं। और आप लोग को मैं एक 25 अक्टूबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां आप जुड़िएगा, अपने अपने मार्क्स शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपर स्टूडेंट लोग हैं उसमें जिन्होंने 30,000 में से लगभग 500-600 रैंक ऐसे ऐसे लाते हैं, कोई अंडर 100 रैंक लाता है। तो वहां से आप लोग दोस्तों डायरेक्ट उन लोग से डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पॉइंट है, उन लोग पढ़ रहे हैं अभी और पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं कई कैंडिडेट्स, तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों इंटरव्यू दिलाया है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को एक एक डिटेल्स इसमें पता चला होगा। ठीक है, तो मिस्टर सुमित सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सर। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ALP से रिलेटेड जो भी डाउट्स थी, और ग्रुप डी से देखिए यहाँ पर ग्रुप डी और ALP दोनों सर एक ही सर में दोनों क्वालिटी है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो मेरे ख्याल से सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय।